गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वेलकम टू माइंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चलिए आप सब हमारे साथ फटाफट जो जाइए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखिए ह्यूमन डिजीजेसा क्वेश्चन आते हैं ठीक है आज तो हम ट्वेंटी क्वेश्चन लेकर आए एक सेशन और लेकर आऊंगी उसमें और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आऊंगी ह्यूमन डिजीजेस पे ठीक है क्योंकि हमें दो तीन सेशंस करने पड़ेंगे खाली ह्यूमन डिजीजेस के लिए क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है ठीक गुड आफ्टरनून एच एक्स गुड आफ्टरनून उमेश हेलो शिवानशु चलिए फटाफट आप लोग सब जुड़ जाइए और मैंने देखा कि जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था वो कंट्री कहां पर है मैंने देखा कि किसी भी स्टूडेंट बेचारे आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो कंट्री कहां पर है चले ठीक है आप लोगों को नहीं पता था तो हम इसीलिए यहां पर है तो हम बिल्कुल लास्ट में आज जब विनर्स कोई है ही नहीं तो आज हम आपको कंट्री क्लियर कर देंगे कि वो कंट्री कहां पर पड़ती है ठीक है ना हिस्ट्री कब से होगा हिस्ट्री आप कह लो इसके इस वीक के बाद हम हिस्ट्री करवा देंगे ठीक है ये वीक साइंस की वीक है साइंस वीक खत्म होने के बाद हिस्ट्री वीक दोबारा से आएगी फिर हिस्ट्री वीक खत्म होने के बाद ज्योग्रफी वीक जिसमें इंडियन ज्योग्राफी करेंगे हम लोग ठीक है फिर से एक बार और साइंस की वीक आ जाएगी तो हम लोग हर वीक वीक जो है चीजें अपना चेंज करते रहेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स बोर ना हो गुड आफ्टरनून आकाश ठीक है गुड आफ्टरनून क्रिएटिव गुड आफ्टरनून रविन चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड वायरस मीन्स शब्द वायरस का क्या अर्थ है प्लांट विनोमिनस सब्सटेंस मतलब विशैले पदार्थ ठीक है बैक्टेरियल सब्सटेंस है या इन्फेक्शन है या आपका जीवाणु पदार्थ या वायरोन बताइएिन सब्सटेंस है आपका वायरॉन है या बैक्टीरियल सब्सटेंस है आपका या आपका प्लांट है बताइए आप लोग अच्छा ये वेनम से वेनोमिन से आपको वेनम याद आ गया होगा ना वेनम मूवी याद आ गई होगी सब स्टूडेंट्स को ठीक है एचआरएक्स कह रहा है बैक्टेरियल सब्सटेंस हो सकता है वायरस ठीक है वायरस का मतलब ओके okay. शिवांशु हेलो ठीक आद्या आदितानशु सॉरी आदितानशु कह रहे हैं विनोमिन सब्सटेंस है मतलब थोड़ा विशाल विशैला पदार्थ है ठीक है द्रविड़ कह रहे हैं सी ठीक है क्रिएटिव कह रहा है बी गुड चित्रसेन कह रहे हैं डी डी और बी बी शिवांशु का है ठीक है राकेश सी कह रहे हैं ओके okay. राहुल बी कह रहा है ओके okay. चलो हम लोग अपना आंसर पढ़ा। मैम कहा से हो अच्छा बेटा यूपी से है कितनी बार बता दू आकाश चलो शिवांशु राहुल का आंसर बी है देखो आंसर बी बिल्कुल सही है बट जिसने ने भी वायरॉन बोला था वायरॉन आंसर भी सही क्यों नहीं है इस बात का ध्यान देना अब वही मैं आपको बताती हूँ पहली बात तो ये एक लैटिन वर्ड है कैसा वर्ड है लैटिन वर्ड है जिसका आप बेसिक मीनिंग uh, कह सकते हो विशैला पदार्थ या विनोमिन सब्सटेंस ठीक है इस बात का ध्यान रखिए वही नेक्स्ट बात करें तो ये आपका जो वायरस होता है इस वायरस में या तो आपका आरएनए होगा या आपका डीएनए होगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आरएनए डीएनए का ही इनका कोर होता है कोर मतलब बेसिकली जो मेन पोर्शन है इनका जिस चीज़ से मेन बने हुए हैं वो आपका बेसिकली आरएनए होता है या डीएनए होता है तो ये आरएनए से बने हैं या तो आपके डीएनए से बने अगर बहुत ज़्यादा एडवांस काइंड ऑफ अ वायरस है आपका ठीक तो उसके ऊपर एक आपको प्रोटीन कोटिंग भी दिख जाएगी क्या दिख जाएगी प्रोटीन कोटिंग भी दिख जाएगी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहीं पे अब हम लोग सबसे मेन वर्ड की फुल फॉर्म भी सीख लेते हैं जो आप लोगों से बहुत पूछ की जाती है आर एन ए का फुल फॉर्म सीख लीजिए आर एन ए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है अभी जब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी पर अभी इसे थोड़ा सा याद करने चलते हैं जिससे एंड तक हम कभी भी इसको भूलें ना क्लियर चलो नेक्स्ट बात करें डीएनए का क्या फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है फुल फॉर्म डीएनए का डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा फिर वहीं पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो आपका वायरस है सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था डिमिट्री ने किया था किसने किया था डिमिट्री ने किया था डिमिट्री इवोनोस्काय डिमिट्री इवानोस्काय ने किया था इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक 1892 में किया था यह चीज आप क्लियर रखिएगा ठीक है अच्छा हाँ और यह जो वायरॉन होता है ना ये वायरॉन वो पर्टिकुलर पोर्शन कह सकते हो वायरस का या वायरस का वो पार्ट कह सकते हो जो सबसे ज्यादा इंफेक्शियस होता है ठीक है ना क्लियर और वायरस जो है आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जब होस्ट सेल पर आता है तब लिविंग होता है मतलब तब जीने लगता है और अगर उसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तो वो डेड की तरीके से बिहेव ठीक है नॉन लिविंग की तरीके से बिहेव करेगा इस बात का ध्यान रखिएगा क्लियर तो आपका वायरस क्या है एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है ठीक तो ये लिंक है इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स और आप लोग अभी देख भी रहे हो कि ये वायरस ने सबका घूमना जाना बंद कर दिया है कि नहीं पर भी घूम तो रहे ही है क्वेश्चन नंबर टू चेक करते हैं क्या है ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है इस बात का ध्यान रखिएगा टोबैको मोजैक वायरस वॉज फर्स्ट वायरस अच्छा टोबैको मोजैक वायरस ठीक है गुड ठीक टोबैको मोजैक वायरस जो है वो आपका प्लांट को इन्फेक्ट करता है एक चीज ध्यान रखना मैं चाहती तो ये पॉइंट यहां पे ला सकती थी बट आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड है ठीक है तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डिजीजेस पे ही फोकस करेंगे ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपकी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये बताइए किसने डिस्कवर करी थी याद रखिए मैं ओरल बोल रही हूँ आपसे इस चीज़ पर मेरा फोकस है क्योंकि पोलियो वैक्सीन आपकी जो इससे पहले डिस्कवर हुई थी हो सकता है वो पोलियो हो हो सकता है वो पोलियो ना हो सॉरी हो सकता है वो ओरल हो, हो सकता है वो ओरल ना हो ठीक तो है पोलियो तो होगी क्योंकि पोलियो वैक्सीन है चलो अंकित कह रहे हैं मैम फर्स्ट ट्यूजडे नाइनटीन वेरी गुड बी आंसर राहुल यादव ए आंसर द्रविण का है गुड शिवानशु का आंसर बी है राठौर का आंसर आ रहा है जॉन ठीक है ओके okay, बी आंसर शिवानशु द्रविण ए राहुल बी ठीक है बाकी स्टूडेंट्स आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई शैलेश का आंसर बी है उमेश का आंसर ए है ठीक है अनीश का आंसर बी है देखो मैं फिर बोल रही हूँ ओरल वर्ड पे ध्यान देना पोलियो वर्ड पे तुम लोग ध्यान दे रहे हो बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन है आपको यह बोलना कि ओरल वर्ड पे ध्यान दो वो जो ड्रॉप मिलती है दो बूंद जिंदगी की ठीक है ए आंसर ल, आ, उमेश का भी ए शैलेंद्र का भी है चलो क्रिएटिव का भी ए है विकी का भी ए आंसर जावेद का भी ए आंसर है पूजा, पूजा का भी चित्रसेन ए आकाश नहीं पता कोई बात नहीं आकाश आपको नहीं पता तो आप सीख जाना अच्छा अच्छा आर एक्स देखो अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है आप गेस कर सकते हो रिस्क लेकर गेस करो क्योंकि ध्यान रखो कई पेपर आपके ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जब उन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको गेस वर्क करना पड़ेगा तो जय माता दी करके गेस वर्क करते हो तो वही करके गेस वर्क करो ठीक है या कुछ अपना लॉजिक लगा के गेस वर्क करते हो तो वो लॉजिक लगा के गेस वर्क करो बट गेस वर्क करो स्टडी एंड टेक पॉइंट का आंसर ए है दीपक का आंसर ए है ठीक है चलो आंसर बी सही है आंसर ए क्यों नहीं सही है ये जो आपके जोनस हैं आपके ये जोनस स्टॉक है या आप जिनको जॉन स्टॉक कहोगे इन्होंने आपकी 1952 में कब 1952 में इनकी बन गई थी क्या पोलियो की वैक्सीन पर आपने इस्तेमाल करी थी 1955 में ये बात बिल्कुल सही स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखा था ये बिल्कुल सही आप लोगों ने लिखा था बट ये ओरल वैक्सीन नहीं थी पोलियो की यही पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती थी ठीक है जो हम लोग पोलियो की साक्स वैक्सीन की बात करते हैं वो आपकी ओरल नहीं थी जो इन्होंने डेवलप करी थी उस टाइम पे 1955 के टाइम पे तो जो आपकी ओरल वैक्सीन आई थी जो कॉमर्शियल यूज के लिए जो अब आप, आप लोग पूरे टाइम लोग यूज कर रहे हैं वो वैक्सीन आपकी अल्बर्ट सैबिन ने बनाई थी 1961 में उसका कॉमर्शियल यूसेज स्टार्ट हो गया था इस बात का ध्यान रखना ठीक क्लियर गूगल ने बोला अच्छा लो गूगल ने बोला वेरी गुड एटलीस्ट गूगल सर्च करके भी आंसर्स दोगे तो कुछ सीखोगे तो रीड तो करोगे नेक्स्ट टाइम याद रहेगा ठीक है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जोनसॉक आंसर ए में बट आंसर ए सही नहीं है इसने जो आपकी वैक्सीन बनाई थी वो वैक्सीन आपकी ओरल नहीं थी बात समझो वो पहली वैक्सीन थी पोलियो की बट वो ओरल ड्रॉप्ड वैक्सीन नहीं थी इसी की वैक्सीन को मॉडिफाई करके ओरल वैक्सीन बनाई थी एल्बर्ट सेबिन ने ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ये मैं आपको बता रही हूं ठीक चलो कोई नहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होता है अब बात करते हैं ये जो पीला बुखार है या येलो फीवर है ये किसकी वजह से होता है आप बताइए हवा की वजह से होता है पानी की वजह से होता है हाउस फ्लाई जिसको हम मधुमक्खी सॉरी जिसको मक्खी बोलते हैं मधुमक्खी मक्खी तो बीज को बोलते हैं जिसको आप लोग मक्खी बोलते हो ठीक है उस पर मूवी भी बनी है मक्खी मूवी और ये बताओ नन इनमें से कोई भी नहीं राठौर का आंसर नन आया है गुड राठौर वाटर की वजह से फैलता है येलो फीवर चलो देख लेंगे एच आर एक्स का कहना है वाटर की वजह से फैलता है सी आंसर हाउस फ्लाई की वजह से फैलता है अंकित कह रहा है ठीक है सब्सक्राइबर चैलेंज टेट ने एल्बर्ट एलबर्ट सही है सब्सक्राइबर आपका प्रीवियस आंसर का आदितानशु का आंसर वाटर है ठीक मुस्कान का आंसर वाटर है अच्छा तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो वाटर के ऊपर अपने एग्स ले करती है फिर उसके थ्रू स्प्रेड होता है ऐसा सोच रहे हो तनुजा गुड आफ्टरनून आकाश कह रहा है नन ठीक है शैलेश कह रहा है सी अजय कह रहा है टू द्रविन कह रहे हैं बी ठीक राहुल का आंसर डी गुड शैलेश का आंसर सी है आदित्य का वाटर जॉय सेठ का आंसर डी है गुड राहुल का आंसर डी चलो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है फटाफट हमारा आंसर डी नन बिल्कुल सही देखो हाउस फ्लाई से नहीं फैलती है जो मक्खी आपके घर में घूमती है ना उससे नहीं फैलती है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक शुभम हाउस फ्लाई नहीं होगा आंसर शिवांशु तुम्हारा सही है डी ठीक टेक पॉइंट वाटर नहीं होगा ठीक मॉस्किटो में भी वेरी गुड राठौर ये बात आपकी बिल्कुल सही है मॉस्किटो सही है ठीक फीमेल मॉस्किटो होती है आपकी क्या होती है फीमेल मॉस्किटो होती है उसका नाम होता है एडीज क्या नाम होता है एडीज होती हैं वो ठीक और फुल अगर उनका फुल देखना है तो एगीपिट ठीक तो आपकी जो एडीज मॉस्किटोज होती हैं फीमेल मॉस्किटोज बेसिकली ये क्या फैलाती हैं आपका येलो फीवर फैलाती है इस बात का ध्यान रखिएगा क्लियर कोई बात नहीं आंसर्स गलत हो रहे हैं एटलीस्ट आपको डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना कि जब तक मॉस्किटो ना मिले तब तक टिक नहीं करना है मेल मॉस्किटो पे टिक नहीं करना है फीमेल मॉस्किटो पे ही टिक करना है हाउस फ्लाई पे टिक नहीं करना है ठीक है हाँ राठौर आपका भी सही था ठीक चलो और एक बात ध्यान रखिएगा येलो फीवर एक वायरल फीवर है कैसा फीवर है वायरल फ़ीवर है या वायरल डिजीज के तौर पर आप इसको कंसिडर करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी डिजीज़ कैसी होती है क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसी डिजीज़ है या कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरल नहीं है या वायरस से नहीं होती है या जीवाणु से नहीं होती ठीक है ठीके? या ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से नहीं होती तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है जैसे पोलियो वायरस है पोलियो वायरस से होती है आपकी येल्लो फीवर वायरस से होती है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ फीमेल मॉस्किटो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं इन इंडिया मेनी बेबीज डाय बिकॉज ऑफ डायरिया विच इज कॉस्ड बाय याद रखना जो छोटे बच्चों में बेसिकली डायरिया होता है और इसका एडवर्टीजमेंट आपको बहुत ज्यादा टीवी पे दिखता है इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि मेरा एक एक स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ पर दिखता है आपको टी में दिखता है तो भारत में डायरिया के कारण कई आपके शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसका कारण क्या है किसके कारण बैक्टीरिया के कारण रोटा वायरस के कारण अमीबा के कारण या फंगस के कारण बताइए बैक्टीरिया आंसर आया आदितंशु का रमेश गुड आफ्टरनून एच आर एक्स कचड़ा ठीक है जावेद का आंसर टू है नहीं जावेद का आंसर सी है अमीबा ठीक है अमीबियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं हम अमीबियोसिस अगर यहाँ पे कुछ लोग अमीबियोसिस से कंफ्यूज हो रहे हैं अमीबियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं उसमें भी आपको वो क्योंकि बड़ों को भी हो जाता है ठीक है अमीबियोसिस बड़ों को भी हो जाता है इस बात का ध्यान रखना है? जो अमीबा से आपका पेट खराब होता है बेसिकली वो बड़ों को भी हो जाता है तो इसलिए अगर कोई अमीबा सोच रहा है तो इस बात का ध्यान रखना answer, तनुजा का शिवानशु का ज्योति का है, उमेश का है, है? शैलेश का आंसर बी है आकाश okay. का आंसर ए है ठीक है ज्योति आपका आंसर ए दिख गया अचारिक्स का बैक्टीरिया जावेद का A, है? अंकित का आंसर बी वेरी गुड बी आंसर जिसका है वो बिल्कुल सही हो जैसे शैलेश शिवांशु और आ, एक स्टूडेंट और था मेरा यू वी कॉन्फिडेंस यही आंसर नहीं होगा ठीक बी आंसर होगा बी आंसर बिल्कुल सही है रोटा वायरस मैक्सिमम टाइम आप लोग देखते हो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन भी लगती हैं बच्चों को ठीक है ये रोटा वायरस जो होता है ग्रुप ऑफ आर होता है मतलब ये कौन सा वाला वायरस है ये वो वायरस है जिसका कोर जो है जिसका जो मेन पोर्शन है जो चीज़ ट्रांसफ़र होकर रिप्लिकेट होती है वो आपकी आर होती है ठीक है तो ये वो वाला वायरस है जिसमें ग्रुप ऑफ आर क्या बनाती है एक आपका रोटा वायरस बनाती है तो रोटा वायरस वो डिजीज़ है ठीक है इस बात का ध्यान रखना और इसका खूब ऐड भी आता है और रोटा वायरस के वैक्सीनेशनस भी लगते हैं क्लियर याद रखिए देखिए वैक्सीनेशन अगर हम लोग बात करें कि इम्यूनाइजेशन और ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये लगता क्यों है या बनता क्यों है अगर इसकी छोटी सी बात करें तो क्या किया जाता है आपकी बॉडी में पहले से ही थोड़ा सा वायरस डाल दिया जाता है जिससे उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है एंटीबॉडीज बना देती है एंटीबॉडीज बना देती हैं तो अगर मान लीजिए बाई चांस कभी आपको ऊपर वो वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी को पता है कि इस वायरस से अटैक करने के लिए हम एक बार ये एंटीबॉडी बना चुके हैं तो वही वो एंटीबॉडी बनाने लगता है ठीक है और अगर हम बात करें कि हमारे यहां पर कौन से फाइटर सेल्स होते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स ठीक लिम्फोसाइज इनको हम कहते हैं चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ इम्यून इम्यूनोलॉजी आपके जो इम्यूनोलॉजी है इसके फादर कौन थे वही मैंने आपको बताया ना ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ठीक है जो अपने आपको इम्यून करने का जो प्रोसेस है ठीक अपने आप को बचा के रखने का भाई यही तो बोली जा रही है कि इम्यूनिटी जिसके पास अच्छी होगी वही आदमी आप आपका बच के रहेगा क्लियर तो जिसके पास इम्यूनिटी अच्छी होगी वही बच के रहेगा तो अब ये बताइए इम्यूनोलॉजी जो है वो किसने डिस्कवर की थी इसके फादर कौन है रॉबर्ट कोच है आपके एडवर्ड जेनर है आपके या, लु, या आपके लुइस पेशोर है या आपके लैंडस्टीनर है बताइए एडवर्ड जेनर है ठीक है राठौर कह रहा है राहुल का ए है बी आंसर सब्सक्राइबर चैलेंज का है ठीक है चंद्रसेन सतवन का आंसर बी है एचआर का सी है जावेद का बी है राहुल का सी है संजय का आंसर सी है चोय सीठ का आंसर सी है ज्योति का आंसर सी शिवानशु का आंसर बी ठीक आकाश का आंसर बी तनुजा का आंसर बी शिवानशु का बी गुड ठीक है स्टूडेंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है अनिश का आंसर सी है चलो आंसर सी बिल्कुल सही है आपके जो जेनर हैं ये जेनर पहली बात तो एक इंग्लिश आपके क्या थे अंग्रेजी चिकित्सक थे या इंग्लिश आप कह सकते हो फिजिशियन थे ठीक उन्होंने ही जो आपकी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसी से ये आप कह सकते हो इस प्रोसेस को क्या किया था सामने लेकर आए थे या आप कह सकते हो कि इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हो गया वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो गया इसको सामने लाकर काम किया था इसी पर्टिकुलर चीज पर क्लियर चलो आंसर सी सही है स्टूडेंट्स बी नहीं सी सॉरी सॉरी आंसर बी आपका एग्जैक्टली exactly सही है जेनर आंसर बी में तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही है इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जेनर है सी नहीं आपका बी एक्जैक्टली सही है जेनर ठीक तो आपका कॉन्फिडेंस का आंसर सही है शिवांशु का सही था तनुजा का सही था ठीक है आंसर सबके आंसर सही थे जेनर एक्जैक्टली सही है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से इस बात का ध्यान रखिएगा सल्फा ड्रग्स आर यूज़ टू क्योर विच डिजीजेस जो आपकी सल्फा औषधि होती है ठीक है वो किस रोग को ठीक करने में उपयोग में लाई जाती है बताइए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक या आप कह सकते हो वायरल इन्फेक्शन ठीक या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या सभी में बताइए हाँ ऑप्शन बी सही है जेनर सही है ऑप्शन सी नहीं सही है हाँ स्टूडेंट्स ठीक चलो सभी में इस्तेमाल हो सकती है सल्फा ड्रग्स तो अभी खुद सोचो कि कोविड आपका एक टाइप ऑफ वायरस है ठीक है मले मलेरिया हो गया आपका या अभी हमने से पहले येल्लो फीवर पड़ा तो भी एक टाइप ऑफ आपके वायरसेस हैं ठीक तो आप ऐसी कौन सी सेल्फा वाली मेडिसिन ले रहे हैं सेल्फा वाली कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं ठीक बताइए आंसर बी लगातार आ रहा है शिवांशु का तनुजा का ठीक है जावेद अच्छा जावेद आई अच्छा इसका पेपर होना ही है जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं अजय का आंसर बी है ठीक है आकाश का आंसर बी है लगातार सबका बी आंसर आ रहा है बी आंसर गलत है बी आंसर गलत है कोई भी आदमी जो है वो आपका सल्फा ड्रग्स नहीं ले रहे हो तुम लोग इसमें ठीक सल्फा ड्रग्स हम लोग जो लेते हैं वो ध्यान रखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेते हैं किस में लेते हैं सल्फा ड्रग्स हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले ici, लेते हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है किस में लेते हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेते हो गुड राहुल तुम्हारा आंसर सही था ठीक ये जो आपका सल्फोना माइट्स होती है सल्फोना माइट्स का एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें आपकी सल्फा ड्रग्स बनती हैं जो कि हम बैक्टीरियल इंफेक्शन में लेते हैं एंटीबायोटिक्स जैसे ठीक ज्यादातर उनमें मिलेगा आपको ये। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन की बताइए फुल फॉर्म ऑफ ये भी आपसे पूछा जा चुका है पूछा जाता रहता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है बताइए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है आपका बैसिलस कैलेमेटिक्यूरीन है बैक्टीरियल कैलेमेटिक्यूरीन है या बैक्टीरिया कैलेमेटे जर्म है या बैसिलस कैलेमेटे जर्म है बताइए इसका क्या आंसर ए आंसर सलेह ने बोला जावेद ने बोला राहुल ने बोला ठीक है यूवी कॉन्फिडेंस बी कह रहे हैं ठीक राठौर का आंसर ए आ रहा है आदित्य का आंसर ए आ रहा है गुड शिवा का आंसर ए आ रहा है चंद्रशेखर का आंसर ए आ रहा है ठीक है क्लियर है आयुष पाठक का आंसर बी आ रहा है ठीक चलो हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है मैक्सिम स्टूडेंट ये आंसर दे रहे थे आंसर ये बिल्कुल सही है ये बैसिलस कैलोमिटी है और आपका होमवर्क यही है कि ये जो बी वैक्सीन है ये किसके लिए होती है बताइए बी वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है हाँ पटेल वीर आपका भी आंसर बिल्कुल सही है तो आप लोग होमवर्क ध्यान रखिए कि आपका होमवर्क है कि जो बीसीजी वैक्सीन है ये किसके लिए लगाई जाती है ठीक है हाँ ठीक है राठौर आप ये सही बता रहे हो तो बट ये बताओ कौन सी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए हम लोग पहले से ही लगा देते हैं ठीक चलो चलो क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा विच अमंग फॉलोइंग सोल्ट इन दी वॉटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है और पूछा जाता है ठीक पानी में तो पहली बात समझ लीजिए कि ये पानी से आपकी फैल सकती है पानी में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लवण है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट या कार्बोनेट बताओ बेटा अभी जब टेलीग्राम पे हम बनाएंगे तो आपको लिंक बता देंगे यूवी कॉन्फिडेंस वेरी गुड ठीक है आप सही बोल रहे हो नाइट्रोजन ठीक तो मतलब आपका आंसर सी है शैलेश का भी सी है राठौर का भी सी है सुमित का आंसर बी है ठीक है आकाश का आंसर वायरस से बचाने के लिए अच्छा सी आंसर शैलेश का क्रिएटिव का एग्रीकल्चरल स्टीम का आंसर बी है जावेद का सी है संजय का आंसर ए है ठीक है एट का ए है ओके तनुजा का आंसर सी है आयुष पाठक का आंसर बी है गुड पता नहीं है शिवांशु तो गेस कर लो गैस कर लो इसमें क्या होता है अगर तो आप लोगों को नहीं पता है स्टूडेंट्स तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी की जो बॉडी होती है वो पूरी ब्लू ब्लू होती है ठीक है थोड़ी ब्लूइश होती है बी है शायद क्लोराइड चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर सी है तनुजा कैरी मैम क्लियर नहीं है बट सी है गुड तानुजा आपका गैस सही है सी आंसर बिल्कुल सही है ठीक है नाइट्रेट्स की वजह से ही होती है इस बात का ध्यान रखिएगा इनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती इनकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं मात्रा में पहुँच पाती इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्या होता है जो आपके छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनमें मिथेलोग्लोबिन इसको कहते भी अब मिथेलोग्लोबिमेनिया है तो ये क्या होता है मिथेलोगलोबिमेनिया में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ठीक इसमें आपकी बॉडी पे सॉरी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है ब्लड के थ्रू ठीक इसके लिए इनकी बॉडी ब्लूइश ब्लूइश टर्न हो जाती है क्लियर है तो ये आपकी नाइट्रेट्स की वजह से होती है इस चीज को ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की एलिफेंटाइटिस इज कॉज बाय एलिफेंटाइटिस किसके कारण होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी स्टूडेंट्स यूपी का एग्जाम देने वाले वो ये बात ध्यान रखना कि जो एलिफेंटाइटिस वाली डिजीज़ है आपकी जिसको आप लोग फाइलेरिया भी बोलते हैं या आप लोग हाथी पाओ भी बोलते हैं ठीक है ना ये डिजीज़ जो है वो गोरखपुर साइड में बहुत आपकी फैली हुई है इसके आपके इंजेक्शनस भी लगते हैं ठीक है तो बताइए फाइलेरियल वॉम है आपका फ्लाट वाम है टेप वॉम है इनमें से कोई भी नहीं है बताइए हाँ सही कह रहे हैं एक्चुअली में क्या होता है ये जो अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये क्वेश्चन मुझे वैसे बाद में ही पूछना होता है ये जो आपका यूरिया होता है ये बनता कहाँ है बॉडी में बॉडी में यूरिया बनता कहाँ पर है बताइए ध्यान रखिएगा यूरिया बनता लीवर में जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन है वो लीवर में होती है बट किडनी जो है वो हमारी यूरिन को क्या करती है फिल्टर आउट करती है टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग हटाती है ठीक है तो आपका जो यूरिया या आप यूरिन जो भी कहोगे वो आपकी बेसिकली बनती कहाँ पर है लीवर में और आपकी किडनी उसको फ़िल्टर करने का काम करती है इस बात का ध्यान रखिएगा बस आंसर ए लगातार सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं हाँ जब मैंने आपको बता दिया इसको फाइलेरिया भी कहते हैं तो आप लोग आंसर सही दे रहे हैं गुड हाँ किडनी में नहीं बनती है लीवर में बनती है ठीक इस चीज का ध्यान किडनी में वो फिल्टर आउट होती है ठीक चलो आंसर ए सबका सही है वेरी गुड और ध्यान रखिएगा यूपी में ये गोरखपुर साइड डिस्ट्रिक्ट में बहुत फैलती है बहुत ज्यादा फैली हुई बीमारी है यूपी में गोरखपुर साइड में क्लियर गुड आफ्टरनून सूर्या चलो ये क्वेश्चन नंबर टेन भी आपसे बहुत पूछा जाता है मैक्सिमम पेपर्स में आपका आया है मीना माता डिजीज वॉज कॉज ये जो मीना माता रोग है ये किसके कारण होता है मर्करी के कारण होता है ठीक है ठीके? लेड के कारण होता है कैडमियम के कारण होता है या जिंक के कारण होता है बताइए डी रहा अच्छा डी पिछले आंसर करता राहुल का बताओ जापान की है मैम ना ये हाँ बिल्कुल सही राठौर जापान में काफी बामीना माता हुई है ए आंसर है मकीरी ठीक चंद्रशेन का आंसर बी है शैलेश का आंसर ए है गुड आकाश ए आंसर शिवांशु का भी है और सूर्य कैरे ट का डी आंसर है अनिश का आंसर डी है ओके okay. पटेल का आंसर ए है ओके चित्रसेन का आंसर कैडमियम है ठीक है पटेल वीर हो गए शैलेश तनुजा शिवांशु चित्रसेन सबका ए है ए आंसर वेरी गुड स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है मरकरी के थ्रू ही होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत शिशुए का भी आंसर सही है थोड़ा लेट है बट आंसर सही है ठीक यूवी रेस का भी आंसर यूवी कॉन्फिडेंस का आंसर भी सही है बट थोड़ा सा लेट था ठीक चलो अब क्वेश्चन नंबर इलेवन चेक कर लेते हैं हम लोग इलेवन क्या कह रहा है द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ दी हैवी मेटल्स लेट्स टू लीवर सरोसेस बताइए जो लीवर सुरोसेज होती है वो किस धातु की वजह से होती है आपकी बॉडी में कैसा तो कौन सा टॉक्सिक मटेरियल या विशैला पदार्थ ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो बताइए ऑप्शन ए कॉपर की वजह से ऑप्शन बी लेड की वजह से ऑप्शन सी मरकरी की वजह से या ऑप्शन डी जिंक की वजह से बताइए कैडमियम इटाई ठीक है वेरी गुड वेरी गुड राठो वेरी टाइट आई ठीक बताइए लीवर सेरोसेस किसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉपर आया शिवांशु का भी आंसर डी आंसर क्रिएटिव का है शैलेश का बी है अनिश का आंसर सी है ठीक अजय का आंसर बी है अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं मान लीजिए आप लोग को मैं कहूं कि हर दिन थर्टी क्वेश्चंस लेकर आते हैं और थर्टी क्वेश्चंस में से फाइव क्वेश्चंस ज्योग्राफी के रहे हैं क्वेश्चंस पॉलिटी के रहे हैं। और फाइव क्वेश्चन के रहे हैं, 5 हिस्ट्री के रह ठीक और फाइव क्वेश्चन आपके मिक्सअप जैसे करंट अफेयर्स और मिसलेनियस जो होते हैं वो रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न आप लोग को ज्यादा बेटर लगेगा प्रैक्टिस करने में कि यह सब्जेक्ट वाइज ही चलते रहे ठीक है चलिए एक दिन ट्राई करते हैं ये वाला पैटर्न हम लोग ठीक एक दिन ट्राई करते हैं तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोग ये वाला पैटर्न चाहते हैं तो हम लोग ये वाला पैटर्न भी क्या कर सकते हैं कर सकते हैं कॉपर आंसर शिवांशु का भी आ रहा है शैलेश का भी आ रहा है पटेल का भी आ रहा है ठीक है अच्छा राठौर कह रहा है मैम ये वाला पैटर्न अच्छा है गुड सूर्या भी कह रहा है मैम ये वाला पैटर्न अच्छा है क्रिएटिव कह रहा है मैम सब्जेक्ट वाइज ठीक है चलो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पैटर्न अच्छा लगेगा कभी एक बार हम लोग ट्राई करेंगे कॉपर आंसर बिल्कुल सही है इस बात का ध्यान रखिए आप लोग सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कॉपर ठीक है कॉपर आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का सारे स्टूडेंट्स ने ए टू दे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था चलिए हम लोग मिक्स वाला एक बार ट्राई करेंगे तो देखिए आप लोगों को मज़ा आएगा तो अगर थर्टी क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा तो उसके तरीके से एक तरीके से आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है हमारा जो आपकी लिस्ट वन है और लिस्ट टू दी गई है इसको मैच करके आप लोग बताइएगा कि किसका क्या टेस्ट है यहाँ पर डिजीज लिखी हुई है यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है बताइएगा आपका जो एड्स है एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है विडाल आपका रेसन या आपका एलिसा या आपका मोन्टेक्स प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट होता है विडाल रेसिन एलेसा या मॉन्टेक्स टाइफाइड के लिए क्या आंसर आता है विडाल रेसिन आपका एलेसा या मॉन्टेक्स बताइए तब ए का आंसर जो है वो आपका फोर आ रहा है मतलब ए से आपका मॉन्टेक्स से बी में आंसर आपका आ रहा है इसमें प्लेग जो है वो एलेसा टेस्ट से होता है फिर उसके बाद सी वाले में ए कहा जा रहा है आपका विडाल टेस्ट से होता है तो बताइए और डी में कहा जा रहा है ए जो है आपका एड्स जो है वो एलिसा टेस्ट से होता है तो आप लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन राठौर बोल रहे हैं सूर्या भी बी ऑप्शन बोल रहे है। है? सुपर थर्टी ठीक है चलो सुपर थर्टी बोल रहे हैं शिवा ठीक मैं कंसिडर कर रही हूं ये चीज चलिए कल का तो आप लोगों को पता है कि कल तो हम लोगों को थोड़ा वाइटमिन एंड मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन करने हैं पर अब मैं क्या करती हूँ ट्वेंटी को थोड़े क्वेश्चन चलो थर्टी नहीं तो ट्वेंटी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ मिक्सअप लेकर आती हूँ अगर वो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर हम लोग बढ़ाकर थर्टी क्वेश्चन मिक्सअप कर देंगे ठीक है तो फिर देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है वो वाला सेशन बी आंसर लगातार आ रहा है शिवानशु का शैलेश का अजय का यूवी कॉन्फिडेंस का ठीक तनुजा का गुड चलो आंसर बी सबका बिल्कुल सही पे भी है बिल्कुल सही है एक बार हम लोग देख लेते हैं जो आपका एड्स टेस्ट है वो आपका जो एड्स का टेस्ट होता है वो एलेसा टेस्ट ही बोला जाता है इस चीज का ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है फिर इसके बाद ये जो प्लेग है ये प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट होता है बताइए प्लेग के लिए याद रखिए आपका वेसन स्टेन टेस्ट होता है ठीक है वेसन स्टेन टेस्ट होता है और टाइफॉइड के लिए आपका विडाल टेस्ट होता है ठीक है तो ये मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होता है बताइए याद रखिए ये टेस्ट के के लिए लिए होता होता है है टीबी ठीक कहा किसके लिए होता है, है।, है? ट्यूबोक्लॉसिस के लिए होता है इस बात का ध्यान रखिएगा और एलिसा का फुल फॉर्म है आपका अच्छा लिख भी दिया राठौर ने गुड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर... अच्छा सरेंट एस है चलो देखते हैं सही है तुम्हारा कि नहीं एंजाइम होगा कि एनगाइम होगा राठौर देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन चेक करते हैं क्या है हमारा विच अमंग दी फॉलोइंग डिजीज़ेस इज़ कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी आपकी जो पूरी की पूरी स्मृति चली जाती है या आप कह लो कि आपका पूरा का पूरा मेमोरी लॉस हो जाता है ठीक है एकता कपूर के सीरियल स्टाइल में तो आप लोग मुझको ये बताइए कि वो कौन सी डिजीज में होता है आपका एमनीजिया है कि आपका एल्जाइमर है कि आपका पार्किंसन डिजीज है ये तीनों डिजीजेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताइए हाँ सही है ए आंसर शैलेश बोल रहा है राठौर का आंसर बी आ रहा है एल्जाइमर डिजीज मैं फुल मेमोरी लॉस की बात कर रही हूं अच्छा बनमार जी कोई बात नहीं चलो आपने ज्वाइन कर रहा है ना फटाफट आंसर दो चंद्रशेन कह रहे हैं बी ठीक है क्रिएटिव कह रहा है बी अल्जाइमर डिजीजे चेक कर लो एक बार किसके लिए होती है कंप्लीट लॉस होता है पक्का उसमें कि ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं आपके शिवा कह रहे हैं अल्जाइमर राहुल कह रहा है ए आंसर ठीक है एमनीजिया डिजीज़ होती है ए आंसर बिल्कुल सही है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपकी अल्ज़ाइमा डिजीज़ होती है जो अल्ज़ाइमा होती है उसमें क्या होता है आपकी जो बॉडी होती है ना उस बॉडी में आपके नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन छोटा होता जाता है क्यों क्योंकि आपके ब्रेन सेल डेड होते जाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा आपके ब्रेन सेल डेड होते जाते हैं उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर जो ब्रेन सेल यहाँ पे स्टिमुलस भेज रहे हैं यहाँ पे भेज रहे हैं स्टिमुलस के हाथ में मैं पेन इस तरीके से पकड़ूँ तो अगर ये वाला ब्रेन सेल डेड हो गया मेरा तो आप मान लीजिए मैं पेन पकड़ नहीं पाऊंगी ठीक है मेरा थम काम नहीं करेगा तो वही काइंड ऑफ अ डिजीज़ आपकी अल्ज़ाइमर डिजीज़ होती है ठीक है एमनीजिया जो होती है उसमें आपका कंप्लीट लॉस हो जाता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्रिप्टो विद हैंडसम बॉय ने आंसर दिया था वो सही है और जो आपकी पार्किंसन डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है ये भी ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी हिलती रहती है या आपकी बॉडी एकदम से टाइट हो जाती है आपको चलने में डिफ़िकल्टी होती है या किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टी होती है कॉर्डिनेट तो का क्या मतलब कि मतलब पैर आगे रखना है तो पैर आगे किस तरीके से रखना है ठीक से रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे या हिल रहे हैं पैर आगे रखते हैं टाइम पर तो वो पार्किंसन डिजीज़ में होता है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ शिवानशु का ऑप्शन ए सही था फिर ऑप्शन बी हो गया चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे देखते हैं ये आपके जो डेल्टॉन थे जॉन डेल्टॉन जिन्होंने आपकी एटॉमिक थ्योरी दी थी ठीक है जिन्होंने आपकी कौन सी थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि सबसे छोटा चीज़ क्या होता है एटम होता है तो वो उनको कौन सी डिजीज़ थी आँखों की ये बताइए और उस डिजीज़ को हमने डेल्टोनिज्म भी कह दिया था तो इज दी नेम रिफर्ड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एज दिस नेम वॉज केप्ट इन ऑनर ऑफ जॉन डेल्टॉन द फादर ऑफ एटोमिक थ्योरी ये जो डेल्टानिज्म है ये किस प्रकार की आपका बीमारी को बोला जाता है ठीक नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस या आप कह सकते हो बहरेपन को या मायोपिया को बताइए देखिए जो एल्जाइमा डिजीज है उसमें हो सकता है आप सब कुछ भूल जाएं बेटा बट उस डिजीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ भूलना नहीं है राठौर इस बात का ध्यान रखना उसका मेन बात क्या होता है कि आप आप पूरी कंप्लीट उसमें मेमोरी लॉस नहीं होती है कभी मैंने अल्जाइमर पेशेंट्स देखे है तो उसमें क्या होता है आपने अगर इसे पेन पकड़ना है आपको तो आपका अगर यहां वाला नर्व सेल डेड हो गया जो यहाँ पे स्टिमुलस भेजता है इस हाथ को तो आप पेन नहीं पकड़ पाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि पेन कैसे पकड़ना है ये थम का कोऑर्डिनेशन कैसे होना है ठीक है ये होता है ठीक बी आंसर लगातार आ रहा है राहुल का डी विवेक का और शिवांशु का डी है ठीक है मायूपिया डी आंसर तनुजा का शैलेश का बी है ठीक है चलो चेक करें हमारा इसका आंसर क्या है मायोपिया में तो आप लोग को दूर का नहीं दिखता है ठीक है और मायोपिया तो अब आजकल बहुत ज्यादा सही हो जाता है या तो लेजर ऑपरेशन करा लो या आईसीएल करा लो दो ही चीजें होती हैं मायोपिया सही हो जाएगा आपका ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर आंसर आपका बी बिल्कुल सही है इसका बी क्यों सही है उनको कलर ब्लाइंडनेस थी उनको कलर नहीं दिखाई पड़ता था और कलर ब्लाइंडनेस आपका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ठीक है कलर ब्लाइंडनेस आपका बहुत कॉमन प्रॉब्लम इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत सी चीज़ों में आती है और ये कैसी होती है कलर ब्लाइंडनेस अभी हम लोग जेनेटिक डिजीज भी देखेंगे ना तो उसमें भी देखेंगे आपका कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा डेल्टॉन जी को कलर ब्लाइंडनेस थी उनको सम्मान देने के लिए हमने डेल्टॉनिज्म कलर ब्लाइंडनेस को बोल दिया था ठीक उनको और याद रखिए आजकल तो कलर ऐसे भी लिखा जाता है तो दोनों स्पेलिंग कलर की सही होती है इसकी चिंता नहीं करना ठीक चलो मायोपिया नहीं होगा मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं पड़ता है ठीक और बहुत से स्टूडेंट्स को मायोपिया होता है और आजकल बहुत इजी भी है वो सही होना लेजे का ऑपरेशन करा लो सही हो जाता है क्लियर अरे सॉरी सॉरी नहीं बोला जाता जब आंसर गलत हो जाता है तो ठीक है सही आंसर सीख के आगे आंसर गलत ना हो इस बात का ध्यान रखा जाता है हाँ रेलवे में चेक होता है स्पेशली स्टेशन मास्टर में चेक होता है ठीक है क्यों क्योंकि भाई आपको दूर से ट्रेन दिखाई पड़नी चाहिए इसलिए चेक होता है तो दूर का दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है क्लियर हाँ जेनेटिक डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस आपकी ठीक चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देख लेते हैं हमारा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज इज कॉस्ड बाय एन प्रोटोजुअन ठीक है प्रोटोजोआ के द्वारा आपकी कौन सी डिजीज होती है बताइए कॉलेरा होती है मलेरिया होती है ट्यूबोक्लोसिस होती है टाइफाइड होती है आज तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन कम से कम सारी बीमारियों के नाम थोड़ा समझ में आ जाएं, ठीक है ना सब डिजीजेस समझ में आ जाएं, कि अच्छा ये ये डिजीजेस भी हैं हमारे पास हमें सुनने में मिलती हैं क्लियर फिर और धीरे धीरे करके डिटेल चलते चलेंगे टेंशन किस बात का है हमें बताइए प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है हाँ बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोग सही लिख रहे हो बी मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होती है चलो और अच्छा ये मलेरिया तो वायरल डिजीज बोली जाती है ना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वेक्टर उसका कौन होता है अच्छा प्ला प्रोटोजोन से हो सकती है चल देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया वायरस से भी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है शायद उसका जिससे होती है वो हाँ अभी टेलीग्राम चैनल जब इस मंथ के एंड तक मैं बनाऊंगी आप लोग को श्योर लिंक दे दूंगी ठीक है चिंता नहीं करिए हाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है गुड देखिए वायरल डिजीज है कि प्रोटोजोन डिजीज है अब ये सब हम लोग को भी चेक करना पड़ेगा अभी एक क्वेश्चन है ठीक आंसर भी बिल्कुल सही है ठीक है मलेरिया का आंसर भी बिल्कुल सही है ठीक फीमेल एनाफिलीज होती है वेरी गुड वेक्टर जो होता है फीमेल मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज होती है क्या नाम होता है उसका मलेरिया के जिससे होती है फीमेल एनाफिलीज से होती है ठीक है उस मॉस्किटो का नाम नमस्ते ओमकार क्या नाम होता है जिस मच्छर से होती है जिस महिला मच्छर से होती है उसका क्या नाम होता है फीमेल एनाफिलीज ठीक है वो वेक्टर होती है गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने देखिए रिंग वॉर्म इज अ डैश डिजीज दाद जो होता है वो किसका रोग है बैक्टीरियल है प्रोटोजुअन है वायरल है या फंगल है बताइए इसका भी बहुत ऐड आता है मतलब आप देखेंगे कि तो इसका भी बहुत ज्यादा एड्स आते हैं कि नहीं आते हैं हां और भी टाइप्स ऑफ होते हैं ठीक बताओ अब ये रिंग जो है आपका हाँ आरबीसी में पहुंचती तो आरबीसी में ठीक अफ्रीका में ऐसा कौन सी अफ्रीका में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन लोग को मलेरिया कम अफेक्ट करता है ऐसा क्या है उनके ब्लड आरबीसी और इन्हीं सब चीज़ों में किसी को पता है अभी ये भी हमको पढ़ना है तभी मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ह्यूमन डिजीज धीरे धीरे करके उसके खूब क्वेश्चन रहते हैं चलो बैक्टीरियल है आपका प्रोटोजोन है आपका वायरल है आपका फंगल है आपका बताइए हाँ दांत कांत खुजली ये वाला ऐड आता है ए आंसर आ रहा है बैक्टीरियल ओमकार का डी आंसर राहुल का ठीक है उमेश का आंसर डी राहुल का आंसर डी ठीक देखिए ध्यान रखिए इसमें क्या होता है आपका राउंड करके आपकी स्किन के ऊपर राउंड राउंड करके ड्राई ड्राई सा पैच ऐसा हो जाता है ठीक सेंटर आपका नहीं रहेगा सेंटर थोड़ा प्लेन ही रहेगा बट ऐसे राउंड राउंड करके पूरा बनता है आपका ये इन्फेक्शन जो होता है और वो इंक्रीज होता चला जाता है एरिया तो आप सोचेंगे बीच में तो कुछ नहीं साइड साइड में ये फिर यहां से हटके यहां होता जाएगा मतलब इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है आपका ठीक मॉइस्चर जितना मिलता जाएगा उतना ज्यादा ये चीज बढ़ती चली जाती है राहुल का डी जावेद का डी तनुजा का डी ठीक है गुड बदमाश जी का डी है गुड चलो चेक कर लेते हैं हम लोग बिल्कुल सही है फंगल इन्फेक्शन आपका बिल्कुल सही देखिए ध्यान रखिए ये रिंगवॉर्म जो है ये ग्रुप ऑफ फंगस होती है जिसको हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं क्या होती है ग्रुप ऑफ फंगस होती है जिसको हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स क्यों बोलते हैं देखिए फाइट्स जो है वो एक तरीके से फंगस के लिए यूज़ किया जा रहा है आपके यहाँ पे और डर्मा आपकी स्किन के लिए तो याद रखिए डर्मेटोफाइट्स इसलिए बोल दिया आपना कि आपकी स्किन के ऊपर ये रहता है इस चीज़ को ध्यान रखिए तो हमारे ये रिंग है ये क्या करता है जो डर्मेटोफाइट्स है ये कैरेटिन देखिए कैरेटिन ट्रीटमेंट लोग बालों पे कराते रहते हैं ना कैरेटिन पता नहीं ट्रीटमेंट ही शायद बालों पे ही होता है जितना मैंने सुना है क्योंकि आपके शैम्पूज़ यूज़ होते हैं कैरेटिन वाले तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैरेटिन एक तरीके का आपकी स्किन में पाई जाने वाली चीज है तो आप ध्यान रखिए कि आपकी जो स्किन है उस पर भी हो सकता है आपके नेल्स भी कैरेटिन भाई आपके नेल्स में भी आपके रहता है तो हेयर्स में भी रहता है तो ये क्या होता है फंगल इन्फेक्शन आपके हेयर्स में भी हो सकता है आपके नेल्स में भी हो सकता है ठीक है आपकी स्किन में भी हो सकता है तीनों जगह फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है क्लियर क्योंकि जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये कैरेटिन के ऊपर रहते हैं क्लियर हाँ का भी आप क्लियर चलो हाँ नेल्स पर भी होते हैं ब्लैक ब्लैक से बहुत अजीब अजीब से होते हैं ठीक नहीं मुझे कैरेटीन ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है मैं केमिकल थोड़ा अवॉइड करना पसंद करती हूं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे चलते हैं ठीक है इंसेक्ट्स डैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रिफर्ड टू एस मनुष्य को रोग पहुंच आप ये बताइए जो रोग मनुष्य को पहुंचता है वो किस जिस भी अगर कीटाणु की वजह से पहुंच रहा है किसी भी चीज़ की वजह से पहुंच रहा है ठीक तो आप मान लीजिए या एक से दूसरे में वायरस की वजह से पहुंच रहा है या वायरस मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन पे था इधर से इधर इधर पे आया तो ये एक मच्छर ने पहुंचा दिया ठीक तो उस मच्छर को क्या कहोगे तुम कैरियर कहोगे रिजर्वायर कहोगे, वेक्टर कहोगे या आप इंक्यूबेटर्स कहेंगे बताइए वेरी गुड सब वेक्टर्स कह रहे हैं वेरी गुड चाहे विवेक हो चाहे शिवांशु हो चाहे शैलेश हो चाहे तनुजा हो चाहे शिवा हो ठीक है वेरी गुड सब आप लोग सब क्या कह रहे हैं वेक्टर्स कह रहे हैं गुड विवेक चौधरी ने भी वेक्टर बोला है वेरी गुड स्टूडेंट्स चंद्रेश ने भी वेक्टर बोला है वेरी गुड अजय ने भी वेक्टर बोला यूवी ने भी वेक्टर बोला बिल्कुल सही है आंसर आप लोगों का वेक्टर क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं फीमेल एनाफिलीज जो वायर आपका क्या करती है फीमेल एनाफिलीज आपका जो मलेरिया कॉस करती है वो एक तरीके की वेक्टर ही तो है वो कैरी तो कर रही होती है उस जर्म को जो जर्म हम लोगों को क्या कर दे उस कीटाणु को जो कीटाणु हमको मलेरिया कर सकता है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा साई सायदा सॉरी सायदा सुल्तान सायदा सुल्तान का आंसर भी सी था गुड ठीक उमेश आंसर भी नहीं होगा हाँ रेड पे ये सब अगर इनसे आपको हुआ तो क्लियर हां स्वाइन फ्लू होता है पिग से चलो क्वेश्चन नंबर एटीन देखते क्या है द एंटी मरेलिया आपका मरेलिया जो मरेलिया आप लोगों को होता है ठीक है आप लोग बताइए उसकी जो ड्रग है जिसको आप लोग क्या कह देते हैं कुनैन या क्यून तो ये आपकी किस पर्टिकुलर प्लांट से बनी होती है ठीक बताइए किस प्लांट से बनी है नीम से बनी है यूकेलिप्ट से बनी है सिनेनम है या आपका चिनकोना है सिनेनम का मतलब यहां पर आता है दालचीनी से नीम को नीम ही बोलते हैं चिंकोना आपका चिनकोना है बताइए डी राठौर का आंसर आ गया ठीक है हाँ सिनेमा जो है वो आपकी दालचीनी होती है ठीक एटीन का डी हाँ इसीलिए मैं सिनेमन लेकर आई हूं जिससे कि थोड़ा सिनेमन और चिंकोना में थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो क्लियर हाँ वो गलती से हो गया चलो आंसर डी लगातार शैलेश का है राठौर का है उमेश का है शिवांशु का है सबका आंसर सही आ रहा है चलो कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि मैंने बता दिया इसको दालचीनी कहते हैं नीम नहीं शिवानशु नीम आंसर गलत होगा आंसर डी चिंकोना बिल्कुल सही होगा ठीक है इसकी बार्क ली जाती है बार्क मतलब इसके तने हेलो वर्ल्ड का आंसर भी डी था गुड तनुजा का भी डी था ओमकार नाथ का भी डी था यूवी कॉन्फिडेंस का भी डी था आंसर चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे बढ़ते हैं क्या कह रहा है डीपीटी इज वैक्सीन फॉर डीपीटी जो है वो वैक्सीन किसके लिए होती है डिपथेरिया टिटनेस प्रोट्यूसेस या तीनों के लिए डी आंसर राहुल का आया है गुड डी आंसर तनुजा का आया है गुड शिवान चलो ठीक है शिवांशु इसका आंसर दो फटाफट राहुल और तनुजा आप दोनों का आंसर डी देख गया वेरी गुड आप लोग तुरंत देखते ही समझ गए इसकी वैक्सीन लगती है ना इसकी वैक्सीन लगती है ऑल वेरी गुड राठौर डी ठीक है शालेश का भी डी सैदा सुल्तान का भी डी क्रिएटिव का भी ऑल अनुज का भी ऑल ठीक है शिवा का भी ऑल उमेश का भी डी विवेक का भी ऑल ठीक है विवेक चौधरी का भी ऑल गुड फैजल का भी डी यू भी कॉन्फिडेंस का आंसर भी डी वेरी गुड वेरी गुड और यही इसका फुल फॉर्म भी स्टूडेंट्स स्टूडेंट ध्यान रख दिएगा इसका फुल फॉर्म भी है इस बात का ध्यान रखिएगा क्लियर है समझ में आई आज के क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आई थी कि आपको सारी डिजीजेस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस कई बार रिपीटेडली पूछी गई है उनसे मैं क्वेश्चंस लेकर आई अब धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे डिटेल में क्वेश्चन करते चले जाएंगे आप लोग कह रहे हो कि मैम थर्टी क्वेश्चन वाला पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है ठीक है तो टेंशन नहीं करिए अगर आप लोग को पसंद आएगा तो थर्टी क्वेश्चन वाला पैटर्न हम लेकर आ जाएंगे क्लियर है तो थर्टी क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होनी होगी तो हम लोग को प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आप लोग सब स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा जिसमें मैं बोल रही थी कि मैं आपके क्या करूंगी थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव इजिकल्स टू सिक्स मतलब आपके क्या करूंगी करंट अफेयर्स के पांच क्वेश्चन ले आऊंगी या मिसलेनियस करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस के पांच क्वेश्चन साइंस के पांच क्वेश्चन ज्योग्राफी के पांच क्वेश्चन हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन ठीक है पॉलिटी के पांच क्वेश्चन और आपके जो सब्जेक्ट भी बच गया हो इसमें इकोनॉमिक्स के पांच क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ठीक तो ये पांच पांच क्वेश्चन करके हमारे जो छह सब्जेक्ट हैं हर दिन हम उसे अगर थर्टी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ये वाला पैटर्न चलेगा तो आप लोग सब मुझे बताइएगा ठीक चलो चलो शालेश बोल रहे मैम साइंस ही सही है ठीक चलो इस वीक तो पूरी साइंस ही चलेगी चिंता नहीं करो इस वीक में 26 जनवरी को मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊंगी तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना अगर साइंस वीक के बाद आप लोग चाहते हो कि मैं 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लेकर आऊं वाले तो हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे क्लियर चलो तो आंसर दिए आप लोग का बिल्कुल सही है सबका आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करते हैं लेप्रोसी इज कॉज बाय कुछ रोग किसके कारण होता है बताइए वायरस के कारण बैक्टीरिया के कारण फंगस के कारण या आपके प्रोटोजोआ के कारण बताइए किसके द्वारा होता है मालूम है जो लेप्रोसी होता है लेप्रोसी में आप देखोगे कि माउथ के किनारे नोज़ की लाइनिंग अंदर म्यूकस के किनारे इवन आइज़ भी अफेक्टेड हो जाती हैं क्या हो जाती हैं आइज भी अफेक्टेड हो जाती हैं इसकी वजह से क्लियर है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो ये जो आपके लेप्रोसी होती है और लेप्रोसी में जानबूझ के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा और मैं जानबूझ के लेप्रोसी क्यों लेकर आई हूं आपको इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है ये मेरा होमवर्क है इस बात का ध्यान रखिएगा लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है कोई बता सकता है ऐसे आपके कौन से लीडर थे जिन लीडर ने कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था फंगस कह रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट जैसे रोहित ने कहा है तनुजा ने कहा है हेलो वर्ल्ड ने कहा है ओमकारनाथ ने कहा अजय ने कहा ठीक है अगर मैं कहूँ फंगस आंसर गलत है तो फंगस आंसर गलत है चलो स्टूडेंट्स फंगस आंसर गलत है रोहित ने बोला बैक्टीरियल चलो रोहित लखेरा बोल रहे हैं फंगस ठीक है दो दो रो अच्छा राठौर बोल रहे हैं बैक्टीरियल ठीक है थर्टी जैन फर्स्ट में देखो आता जा रहा है देखेंगे लेप्रोसीडे का मंत्र अभी है। मुझे नीचे ऑप्शंस में बताना देखिए बैक्टीरियल डिजीज होती है फंगल डिजीज नहीं होती इस बात का ध्यान रखिएगा क्या होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है और ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में तो इतनी भयंकर फैली हुई थी इतनी भयंकर फैली हुई थी कि इसका रिकॉर्ड नहीं है बहुत ज्यादा फैली हुई थी ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है बहुत काम किया इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है और जिस बैक्टीरिया से होती है उसको बोलते हैं माइक्रो बैक्टेरियम ठीक है माइक्रो बैक्टेरियम लैपरे इसको बोलते इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपका हंसन डिजीज भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हंसनस डिजीज भी बोलते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ठीक है माइक्रो बैक्टेरियम लैपरे इसका बैक्टीरिया है जिससे ये होती है क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को कि नहीं स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिजीजेस जो है वो मैं बीच बीच में बार बार ये च, आ, आपका टॉपिक रिपीट करती रहूंगी क्यों रिपीट करती रहूंगी क्योंकि इसमें हमको अप्रोक्सीमेटली खाली डिजीजेस में ही हमको अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी पेपर हो आपका चाहे रेलवे चाहे लेखपाल चाहे एस चाहे कॉन्स्टेबल आपका डिजीजेस से क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है क्लियर है माता टेरेसा ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया था राठौर आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैं बिल्कुल मानती हूं ठीक ये बिल्कुल सही और स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन थी क्या कन्फ्यूजन थी कि मैम ये कंट्री हमको समझी में नहीं आ रही है ये जो न्यू कंट्री है ये देखिए एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो आपकी साउथ पैसिफिक रीजन की साइड पे पड़ती है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्लियर तो ये कंट्री कहाँ है ये कंट्री का फ्लैग ऐसा है ये एक आइलैंड कंट्री है प्रायद्वीपीय कंट्री और ये एक कंट्री है ये किस चीज़ का है जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूँ हम लोगों ने सैटरडे को जोग्राफी जब प्रैक्टिस करे था तो मैंने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया था कि ये जो आपकी न्यू कंट्री है ये कहाँ पर पड़ती है या ये कौन सी कंट्री है तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा का, काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा कि मैम हमें नहीं पता है ठीक है ना तो इसीलिए आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी ये ये कंट्री यू का पार्ट नहीं है बट आपको पता है ना किसका पार्ट है ठीक ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पिछले सेशन में बता चुकी हूँ क्लियर तो याद रखिए ये आपकी एक आईलैंड कंट्री है क्लियर है सबको कैसी कंट्री आइलैंड कंट्री है ये इसका फ्लैग है इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं जनवरी के एंड तक आपको दे दूंगी क्लियर और इसका कैपिटल भी आपका अलोफी बोला जाता है क्लियर है स्टूडेंट्स तो आज का होमवर्क ध्यान रखिएगा सब लोग नीचे कमेंट में अपने होमवर्क लिख दीजिएगा और कमेंट्स में ज्यादातर लिखिएगा कि इस वीक तो आपकी साइंस चलेगी ये मैं बिल्कुल क्लियर बता दू इस वीक के बाद आप लोग चाहते हो कि थर्टी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो ठीक थर्टी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो यह आप लोग चाहते हो या आप लोग चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज ही चले ठीक है ये आप लोग मुझे जरूर क्लियर करना अपने कमेंट्स में नीचे क्लियर करना जो ज्यादा कमेंट्स होंगे वही चीज में क्या कर दूंगी उसी को स्टार्ट कर दूंगी ठीक है क्योंकि यहां पे आप लोग कमेंट करते हो ऊपर चला जाता है क्लियर है चलो All the best students, Jai Hind. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.